से बैठे हम अपना हक मांग रहे हैं, हम लोग किसी से लिखा कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम लोग का हक चाहिए। बस चार बार पढ़े यहाँ पे, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैंने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया था, ये बोल रहे तो इन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। दो चार लेडीज आई थी, वो बैठी, उनकी फोटो सोशल मीडिया पे गई, उनको देख के आप भी आए और हम भी आए, है ना, सब यहाँ पे आए, कोई किसी लीडर को देख के बोल के नहीं आया। आप एक बात बताइए, सुनिए, आप अगर किसी को जाना है, डर लग रहा है तो चले जाइए, डर नहीं लग रहा है तो बैठिए। अगर जिम्मेदारी है ना, पुलिस की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी देना, मुंबई पुलिस के लिए एक बार तालियां बजाओ। देखकर
मुझे बहुत खुशी हुई। मैं शाहीन बाग भी गया था, जामा मस्जिद गया, जामिया मिलिया गया, गोवंडी गया था, अगस्त क्रांति मैदान, गेटवे। आप सब लोगों से सिर्फ एक दरखास्त है, ये लड़ाई बहुत लंबी है, हौसला मत हारना। लोग अफवाहें उड़ाने आएंगे, लोग भड़काने भी आएंगे, लोग ये भी कहने आएंगे कि अब बंद कर दो, हो गया, लेकिन रुकना नहीं। इस पूरे मूवमेंट का पूरे देश में कोई एक लीडर नहीं है, सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स और हमारे देश की औरतें इस मूवमेंट की लीडर है। अगर कोई एक लीडर होगा, एक को पकड़ेंगे मूवमेंट मन, लेकिन नहीं, यहां तो हर औरत लीडर है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, यहां आप लोग आइए, और हमारे जैसे जितने लोग हैं, आप यकीन मानिए, आप हर वक्त अपने साथ खड़ा पाएंगी, अपने पीछे खड़ा पाएंगी। और इस वक्त ये सिर्फ सीए का मुद्दा है, एनआरसी का है, एनपीआर का है इस वक्त, लेकिन असल मुद्दा सिर्फ और सिर्फ नफरतों का है। ये जो हिंदू मुसलमान के बीच नफरत बो दी गई है, मुद्दा सिर्फ वो है, और इसके लिए हम सबको बहुत दूर तक लड़ना होगा, क्योंकि ये नफरत एक दिन में नहीं आई है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो दोनों तबकों के बीच में एक दूरी आ गई है, ये दूरी खत्म करनी होगी। पहले जैसे होली, दिवाली, ईद सब साथ हुआ करती थी, वापस वो माहौल लाना होगा। सबसे पहले जेएनयू के तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल करना चाहती हूँ, जय भी मौला पेश करती हूँ। अशी घोष को लाल सलाम, अशी घोष को लाल सलाम।